हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अवी। और आज की जो वीडियो है भैया, वो होने वाली है पॉकेट ऑप्शन के रिव्यू पे। तो यार, रीज़न क्या है, बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मुझे मिले रिगार्डिंग द सेम। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर, पॉकेट ऑप्शन क्या है एक्चुअली, यहाँ पे टाइमिंग कैसे सेट होता है, हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, क्या यहाँ पे पैसा जो इन्वेस्ट है अगर हम करते हैं तो वर्थ है, सही है या नहीं है। ये सारी चीज़ें मुझसे बहुत बार पूछी गई है रिगार्डिंग, एक छोटी सी वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, बट टुडे आज इसके बारे में पूरा रिव्यू हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो यार, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाइनरी ब्रोकर्स के बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाइनरी ऑप्शंस में ट्रेड लेना चाहते हैं तो ईच एंड एवरी ब्रोकर की इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए उसके बारे में, एग्जैक्टली कि वो कैसा है, वो अच्छा है या नहीं है, वहाँ पे आपका ट्रेड लेना वर्थ है या नहीं है। तो यार, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप हैं अभी जो मोबाइल है मेरा उसकी स्क्रीन पे, और मोबाइल में मैंने जो डाउनलोड कर रखी है एप्लीकेशन पॉकेट ऑप्शन, तो यहाँ पे आप भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड। ठीक है, पॉकेट ऑप्शन आपको इजीली प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए लिंक तो वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पॉकेट ऑप्शन का कुछ इस तरीके का आपको लोगो मिलेगा। इस एप्लीकेशन को मैं कर लेता हूँ ओपन। तो जैसे ही इस एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे फर्स्ट टाइम, तो आपके पास तीन ऑप्शंस वहां पे आपको मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा साइन इन का, दूसरा ऑप्शन मिलेगा डेमो का, और जो तीसरा ऑप्शन वो मिलेगा, वो आपको मिलेगा अगर फॉरगेट पासवर्ड या दिया, एक और सेक्शन वहां पे आपको जरूर मिलेगा। अगर आप डेमो अकाउंट में जाना चाहते हो तो डेमो पे जाके ट्राई कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको एग्जैक्टली बताता हूँ पॉकेट ऑप्शन के बारे में। तो यार, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल इंटरफेस आपको दिखा रहा हूँ, आप ये सेम इंटरफेस ले सकते हैं, आपको मिल सकता है वेब पे भी। अगर आप जाते हैं गूगल पे और गूगल पे सर्च करते हैं पॉकेट ऑप्शन, तो वहाँ से भी आप जो है पॉकेट ऑप्शन की वेबसाइट पर जाके ट्रेड ले सकते हैं अपने अकाउंट को लॉग इन करके। तो अब इस तरीके का इंटरफेस जो है वो आप देख पा रहे हैं, ये जो इंटरफेस है वो है पॉकेट ऑप्शन का। तो पॉकेट ऑप्शन, जैसा कि आपको पता है यार, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत पॉपुलर भी हैं ट्रेडिंग वर्ल्ड में और जिनको सब जानते हैं एग्जैक्टली, बट पॉकेट ऑप्शन एक ऐसी एप्लीकेशन है जो जिसका इंटरफेस जो है बहुत ज़्यादा इजी है, यानी जो यूज़र इंटरफेस है वो इजी है, यूज़ करना बहुत आसान है, और डेफिनेटली यहाँ पे आप जो ट्रेड है वो ले सकते हैं अच्छे खासे अमाउंट में। ठीक है, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो यार, किस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ग्राफ चल रहा है अभी, जो ग्राफ है इसका जो पैटर्न है वो है माउंटेन भी पैटर्न। अभी जो माउंटेन पैटर्न है इसको हम चेंज करेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे हम करेंसी कैसे चेंज करेंगे वो आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप नीचे एक ऑप्शन दिख पा रहे हैं, यहाँ पे आप लाइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बार यूज़ कर सकते हैं, कैंडल यूज़ कर सकते हैं, और हैकिनाशी कैंडल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यार, आपको पता है बाकी सारी जो एप्लीकेशंस है वहाँ पे पांच ऑप्शंस आपको कभी कहीं एक साथ नहीं मिलेंगे किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे। आपको मैक्सिमम चार ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पे लाइन पे क्लिक कर सकते हैं। मैं कैंडल्स जो है उस पर आपको प्रेफर करता हूँ, या मैं हमेशा जो कैंडल है उस पैटर्न्स पे ट्रेड लेता हूँ। तो अब आ गई है बात कि यहाँ पे आप जो है करेंसीज कैसे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको ट्रेड लेना है करेंसी में तो वहाँ पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऊपर आपको एक एप्पल ओटीसी के नाम से एक ऑप्शन दिख रहा है। इसके पास एक स्क्रोल डाउन का एक ऑप्शन आ रहा है, स्क्रोल डाउन बार का। तो इस पर आपको क्लिक करते ही देखो यहाँ पे स्टॉक्स, कम्योडिटीज, करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज, सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, किसी में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं कम्युनिटीज में लेना चाहूँ तो देखिए 92% का प्रॉफिट यहाँ पे दे रहे हैं, और वो भी अगर मेरा अकाउंट वीआईपी नहीं है तो भी मुझे 92% का प्रॉफिट यहाँ से मिल रहा है। अब जाते हैं करेंसीज पे, तो करेंसीज पे देखिए 87% तक का मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है वीआईपी अकाउंट नहीं होने के बावजूद। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, मैं किसी भी अकाउंट से लॉग इन नहीं हूँ, उसके बावजूद मुझे इतना सारा ज़्यादा जो प्रॉफिट है उसका रेशियो अवेलेबल है। अब जाते हैं क्रिप्टो करेंसीज पे, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा यार अभी फिलहाल के टाइम पे प्रॉफिट जो है रेशियो बड़ा ही कम मिल रहा है यहाँ पे, बट फिलहाल जो सैटरडे संडे में जाते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिलने लग जाता है। तो इन शॉर्ट अगर बात करते हैं करेंसीज की, अगर इन शॉर्ट बात करते हैं ट्रेड लेने की, टाइमिंग की, सेट करने की, तो यार 10 में से 8 नंबर या 9 नंबर डेफिनेटली यहाँ पे मिलने चाहिए जो इंटरफेस है उसके हिसाब से। ठीक है,
क्योंकि मैं भी जो पॉकेट ऑप्शन है आपको पता ही है ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ, बट आज जो है आपको रिव्यू दे रहा हूँ तो यूज़ करने के बाद ही मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ। तो डेफिनेटली अब जो है यहाँ पे देखिए डेमो अकाउंट पे मैंने क्लिक किया है, डेमो अकाउंट में हमारे पास है $2000। तो अब यहाँ पे देखेंगे अननोन यूजर डेमो अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, प्रोफाइल और जो डिपॉजिट है वो आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा जो प्रोफाइल है वो अभी अननोन यूजर का है, मतलब मैंने लॉग इन नहीं किया हुआ है यहाँ पे, कोई साइनअप मैंने यहाँ पे नहीं किया है, डायरेक्टली डेमो अकाउंट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप अगर आप देखोगे तो आप रियल अकाउंट में जाओगे तो आपको जो प्रॉफिट है रेशियो, मैंने आपको यहाँ पे डेमो अकाउंट करके क्यों दिखाया, ताकि मैं आपको दिखाना चाहता था यहाँ पे प्रॉफिट जो है एग्जैक्टली वो ज़्यादा मिलता है इन कंपेरेटिव टू अदर अप्लीकेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, नीचे जाके यहाँ पे आप टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हो, टाइम फ्रेम मतलब सेलेक्ट कर सकते हो। तो टाइम फ्रेम जनरली मैं आपको जो है वो सजेस्ट करता हूँ 1 मिनट का, जैसा कि आपको पता है अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको ज़रूर ये चीज़ पता होगी। दूसरी चीज़ है स्ट्रैटेजीज़, तो यार सबसे पहले इंडिकेटर्स पे जाते हैं, ड्राइंग्स पे नहीं, अभी इंडिकेटर्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे भैया इंडिकेटर्स की लगी है भरमार, कोई भी इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स जो है आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप वेब वर्जन पे जाओगे इसी एप्लीकेशन की यानी इसी वेबसाइट की, माफी चाहूंगा, अगर आप पॉकेट ऑप्शन के जाते हो वेब वर्जन पे तो वहां पे मिलती है आपको कुछ और इंडिकेटर्स, एडिशनल फीचर्स जो आप यहाँ पे नहीं यूज कर सकते बट डेफिनेटली आप वेब पे यूज कर सकते हो। तो अब जाते हैं, अब इसमें और चीजें जो है वो देख लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाने वाला है तो आप क्लिक करना है सेल पे, अगर आपको लगता है जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाने वाला है तो आपको जो क्लिक करना है वो करना है बाय पे। टाइमिंग अपने ट्रेड की आप कहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो यहाँ से आप अपनी टाइमिंग जो है ट्रेड की वो सेलेक्ट कर सकते हो। कितने सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट एंड सो ऑन। तो मैंने जो है वो 2 मिनट की टाइमिंग सेलेक्ट कर ली है एंड ट्रेड अमाउंट जो है $1 अभी सिलेक्टेड है, तो इसको मैं $50 कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन अब जो है हम जो ट्रेड लेंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने ट्रेड है वो प्लेस कर दी है $50 की, देखते हैं क्या होता है। हमारे पास अभी 1 मिनट 40 सेकंड जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं बचा है एंड देखते हैं क्या होता है। प्रॉफिट जो है अगर हमें मिलेगा वो $95 का मिलेगा, यानी हमें $50 के इन्वेस्ट पे 95% प्रॉफिट मिल रहा है फिलहाल, मतलब 95 जो है प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसका मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट रेशियो हमें मिल रहा है अगर हम ये विन कर जाते हैं तो, ठीक है। तो यही चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसे 91% का अभी पे आउट हमें मिल रहा है पर्टिकुलर ट्रेड पे। अब एक चीज़ और है वो चीज़ बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे बुक का, इस बुक पे जाके आप अपनी हिस्ट्री देख सकते हो, करंट ये देख सकते हो, प्लस ऑर्डर्स देख सकते हो, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो टॉप अप योर अकाउंट का भी एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप जो है विड्रॉ और डिपॉजिट आप यहाँ से कर सकते हो। डिपॉजिट करने के जो मेथड्स है बहुत सारे मेथड्स आपको मिलेंगे, जितने भी सारे मेथड्स हैं आपको स्क्रिल नेटलर से लेके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, हर एक कार्ड से आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। द सेकंड थिंग इज विड्रॉ के टाइम पे, विड्रॉ भी आप हर एक तरीके से ले सकते हो। द एक और इम्पॉर्टेंट है वो ये चीज़ है, अगर आप डेबिट कार्ड से कोई इन्वेस्टमेंट करते हो यहाँ पे तो एग्जैक्टली उसी अमाउंट में आपको विड्रॉ लेना होता है। अगर आपने $100 इन्वेस्ट किया तो $100 ही आपको विड्रॉल मिलेंगे, उसके बाद अगर आपको और प्रॉफिट होता है तो आप किसी वॉलेट के थ्रू ले सकते हो, स्क्रिल के थ्रू, नेटलर के थ्रू आप जो है विड्रॉ ले सकते हो। द रीज़न इसके पीछे क्या होता है कि एक्चुअली जब यहाँ पे आप डिपॉजिट करते हो अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू, तो जब आप उसमें से विड्रॉ लेते हो तो रिफंड फॉर्म में आता है, ठीक है। एंड रिफंड में क्या होता है ना, आप एग्जैक्टली रिफंड फॉर्म में जब आपके पास आता है तो आपका जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना ही आप रिफंड ले सकते हो, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ट्रेड है इसका एक्सपायरी टाइम बहुत ही कम बचा है एंड लेट्स सी कि क्या होता है। अभी तो हम ऑलमोस्ट लॉस में चल रहे हैं बट लेट्स सी कि क्या होता है। तो अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं लॉस में तो हम जाएंगे हमारी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप एग्जैक्टली आर्टिकल को भी फॉलो करोगे तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये लास्ट ट्रेड जो है वो हम हार गए हैं, प्रॉफिट जो हुआ है हमें वो हुआ है -$50 का, बट नो इश्यूज, आपको पता है हम किस तरीके से डील करते हैं इन सारी सिचुएशन से। अगर आप मेरे चैनल पे हो तो आपको डेफिनेटली ये सारी चीज़ों का पता होगा। हमने $150 की ट्रेड ले ली है, हमारी डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है। अगर हम ये ट्रेड जीत जाते हैं तो हमारा जो $50 का लॉस है, लास्ट जो लॉस हमने $50 का लिया है वो तो डेफिनेटली कवर होगा ही होगा, प्लस यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर हम ये ट्रेड हार जाते हैं तो हम जाएंगे मार्टिकल के एक और स्टेप पे, ठीक है। तो हमने जो स्टार्ट किया था वो डेमो में $2000 से स्टार्ट किया था एंड देखते हैं हम कहाँ पे स्टॉप करते हैं।
उम्मीद करेंगे कि अच्छे खासे प्रॉफिट पे ही स्टॉप करेंगे। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगा यार, बिल्कुल इजी इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस जैसा कि आपने चेक कर लिया, इजी से इंटरफेस है। ट्रेड लेना तो एक अलग बात है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो जैसा कि आप अदर एप्लीकेशंस में भी लेते हो, यहाँ पे भी आप ले सकते हो उसी तरीके से, मिनट उतनी ही मिनट में यहाँ पे आप ले सकते हो जैसे जैसे बाकी में लेते हो। तो यार ये वाली जो ट्रेड है ये गई है एग्जैक्टली 150 के लॉस पे। तो अब हम जाएंगे, अब हमारे पास है तो अब हम जाएंगे $500 की ट्रेड पे। जैसे कि आपको पता है 3 स्टेप्स मार्टिकल कभी कभी वर्क कर जाते हैं, तो हम जाएंगे 3 स्टेप्स मार्टिकल पे। तो अभी फिलहाल ये जो मार्केट है जो एप्पल OTC का है अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम जाएंगे एग्जैक्टली करेंसी पेयर्स पे। एंड करेंसी पेयर्स पे हम लेंगे ट्रेड। तो यहाँ पे CGF का भी एग्जैक्टली अभी अच्छा नहीं चल रहा है, ऑड कैट पे जाते, ऑड कैट का जो मार्केट है एनालाइज करते थोड़ा सा। इंडिकेटर्स अभी मैंने कोई भी ऐड नहीं किया है, नो स्ट्रैटजी के साथ अभी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, विदाउट स्ट्रैटजी, बट लेट्स सी कि क्या होता है। विदाउट स्ट्रैटजी अभी मैं ट्रेड ले रहा हूँ एंड उम्मीद करेंगे कि जो है बहुत अच्छी हो चीज़ें। एग्जैक्टली आपको जो है प्रॉपर मार्टिकल स्टेप्स को फॉलो करना है, हारना जीतना आपको भी पता है, इट्स नॉट मैटर, द मैटर करता है इन द एंड वी हैव टू लैंड इन प्रॉफिट। ओके, सो बाकी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से आप इस अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक लाइव चैट का ऑप्शन भी आपको दिया गया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है। यहाँ पे आप एग्जैक्टली आपको किसी और इंटरफेस पे रीडायरेक्ट जो है वो नहीं किया जाता, यहाँ पे आप डायरेक्टली सपोर्ट टीम जो टीम है उनसे चैट कर सकते हो। एग्जैक्टली आप रियल टाइम में यहाँ पे चैट कर सकते हो, अगर आपको कोई भी इश्यू होता है तो आप डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो और उनसे जो हेल्प ले सकते हो। प्लस इनके पास 3 एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है, एनालिटिक्स की, सिग्नल्स की, स्ट्रेटजीज की, उनकी भी हेल्प आप ले सकते हो ड्यूरिंग ट्रेडिंग। ओके, तो अब एक छोटी सी ट्रेड और लेते हैं। फिलहाल जो है मार्केट जो सही नहीं चल रहा है, बट एग्जैक्टली फिर भी हमारा जो काम है वो इन दी एंड प्रॉफिट में लैंड करना है। $2,000 के साथ हमने स्टार्ट किया था, बट अभी हमारे पास है सिर्फ $1,800, यानी अभी हम $200 के लॉस में हैं। ओके, सो अभी हमें क्या करना चाहिए, हमने जो ट्रेड है वो ले ली है $1,500 की, हमारा जो टाइमिंग है वो है 30 सेकेंड्स एंड जो सिचुएशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हमने ट्रेड ली है एंड देखते हैं कि क्या होता है। होप कि हमें ये जो ट्रेड है वो विन कर जानी चाहिए, और अगर हम ये विन करते हैं तो हमारा जो रिकवर है अमाउंट, जितना हमने अभी तक लॉस किया है वो सारा अभी तक रिकवर हो जाएगा इस एक ट्रेड में, और देख पाते हैं हम कितना जल्दी कितना पैसा जो है अर्न कर लेंगे। तो यहाँ भी ये जो ट्रेड है वो भी एग्जैक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली गई, जो कि मार्केट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, अभी जो मार्केट है बिल्कुल अपोजिट चल रहा है हमारी प्रिडिक्शंस के, क्योंकि अभी मार्केट जो अभी जो डेमो अकाउंट से मैंने आपको ट्रेड करके दिखाया ये रियल अकाउंट नहीं है, बट एग्जैक्टली आप रियल अकाउंट से ट्रेड ले सकते हो, बट अभी फिलहाल का जो मार्केट है वो अच्छा नहीं चल रहा है। तो हम 3 मार्टिकल स्टेप से आगे नहीं जाएंगे, 4th मार्टिकल स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है। रीजन यही है कि आप अगर जाते हैं 4th मार्टिकल स्टेप्स पे तो आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप जा सकते हैं, बट फिलहाल ज़रूरत नहीं है जाने की, क्योंकि वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहते, जस्ट एक रिव्यू वीडियो है तो यहाँ पे इसको और लंबा नहीं करेंगे। तो अगर हम एक और ट्रेड लें तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें वर्कआउट हो सकती है, बट नहीं लेंगे फिलहाल, ठीक है। तो गाइस चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करूँगा वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, पॉकेट ऑप्शन से रिगार्डिंग जितनी भी सारी क्वेरीज हैं वो आपकी सॉल्व ज़रूर हो गई होगी, और अगर इससे रिगार्डिंग और कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा यार, वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो यार लाइक करके चले जाओ। दूसरी चीज़ यार, नो स्ट्रेटजीज के साथ ट्रेड ली है, कोई स्ट्रेटजी यहाँ पे मैंने नहीं यूज़ की थी, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई ट्रेंड फॉलोअर, ना कोई फिर मैंने कोई एडिशनल न्यूज़ रीडिंग की थी, कुछ भी मैंने नहीं किया था। तो यहाँ पे मैंने सिंपल ट्रेड ली थी, इसलिए हम वहाँ पे जो ट्रेड है वो लॉस कर गए, तो और कोई यहाँ पे रीज़न फिलहाल है नहीं। तो गाइज़ यार मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।